हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक मेट। इस वीडियो में मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक फ्रेश टेक अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले टेक अपडेट ये है कि व्हाट्सएप लेकर आए हैं 3 टिक वाला सिस्टम। ये अभी फीचर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जल्दी लॉन्च हो, जहाँ पर मॉनिटर किए जाएंगे आपके प्राइवेट मैसेजेस गवर्नमेंट की तरफ से। जो आपके 2 टिक्स होते थे, यानी एक जो आपका जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका रिसीव करने का ब्लू मार्क, अब होगा तीसरा टिक। अगर वो अनसीन आया, इसका मतलब है कि वो मैसेज गवर्नमेंट ऑफिशियल तक सेंड हो चुका है। अगर वो भी ब्लू हो गया, तीनों टिक ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके तीनों जो टिक्स, जब ब्लू होगा इसका मतलब ये होगा कि आपका जो मैसेज है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पढ़ लिया है और आपके रिसीवर ने पढ़ लिया है, और आपने तो सेंड किया था तो आपने तो ऑब्वियसली पढ़ लिया। तो दोस्तों, ये माना जा रहा है कि व्हाट्सएप अब प्राइवेट नहीं रहेगा, आपके मैसेजेस मॉनिटर किए जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरे टेक अपडेट ये है कि फोर्टनाइट के जो डेवलपर हैं वो बन चुके हैं अब एक बिलियनियर। दोस्तों, इन्होंने जो है फोर्टनाइट के फाइंडर, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अर्निंग कर ली है। फोर्टनाइट का अगर आपको पता हो कि सिर्फ वो iOS में है और उसकी हाफ ऑफ द डाउनलोड से पबजी के मुकाबले, लेकिन उसने 5 टाइम्स अर्निंग कर ली है पबजी के कंपेरिजन में। तो दोस्तों, तीसरी टेक अपडेट ये है हमारी कि शाओमी का जो MI A2 है उसके पूरे वेरियंट्स लॉन्च होंगे इंडिया में, लेकिन शाओमी अपना 6 GB RAM और 32 GB वाला वेरिएंट नहीं लॉन्च करेगा इंडिया में। इसका रीजन नहीं बताया है शाओमी ने अभी, तो देखते हैं कि कब आता है ये वेरिएंट इंडिया में। तो दोस्तों, एक और टेक अपडेट ये है कि सैमसंग ने कर दिया है शाओमी को पीछे इंडिया में। इस वीक की अपडेट के मुताबिक जो मोबाइल सेल्स हैं उनके मुताबिक, तो देखते हैं कि अब कितना कॉम्पिटिशन में कौन कौन से फोन अब ये कंपनियां रिलीज करती हैं।